जी, कैसे हैं आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, खेर हैं आई होप आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे अपने घरों में तो जी हमारा आज का जो ब्लॉग है ना इसका वही हाल है बेचारे का जैसे कह लो कि साल पिछो मकान आई हास्तिया नवान आई ये पंजाबी की बड़ी मजेदार कहावत है जिसको भी समझ आ गई है वो मुझे कॉमेंट्स में आके बताये और जिसको नहीं समझ आई आप लोग ही उसको कॉमेंट सेक्शन में समझा देना तो खैर जी ये ब्लॉग है इंडिपेंडेंस डे का यानी सऊदी इंडिपेंडेंस डे जो आया था ना अभी पिछले दिनों उस टाइम का ये ब्लॉग है लेकिन मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था टाइम क्यों नहीं था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ तो खैर जी हम लोग निकले हुए थे बाहर हमने सोचा यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हुई हैं तो हम कोई फायदा उठा लें हम लोगों ने कुछ परफ्यूम्स देखे अपने लिए जो हमें पसंद आए वो हमने लिए है हमने कुछ नकबा उसे लिए कुछ माजिद उद से लिए है और बाकी भी इधर उधर भी घूमते फिरते रहे थे अच्छा इसके बाद हमने डिनर किया बाद में पार्क चले गए वहां पे मेरी बहुत प्यारी सी क्यूट सी एक सब्सक्राइबर मिली थी मुझे उसके बाद हम बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ इनके बाबा को और हमें ले आए असीम मॉल कहते यहां भी चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी अच्छी ऑफर है चलो जाके चीजें ले, ले लेते हैं अच्छा जी हम लोग तो आए थे यहां पे ऑफर चेक करने के चलो जी अच्छी चीजें मिले तो हम ले लें लेकिन हमारे बच्चों ने अपना ही रोला डाल लिया कहते पहले हमें ट्रेन में बिठा दो हमने बिठा दिया उसके बाद कहते हमें ऊपर सफाई ले जाओ मैंने कहा चलो आप ले जाए मैं यहाँ पे कुछ शॉप विजिट कर लेती हूँ लेकिन मुजना रोने लगी नहीं मामी मेरे साथ ही जाए मामी को मैंने साथ ही लेके जाना है फिर मैं बेचारी इनके साथ ही ऊपर आ गई और यहाँ आके इन लोगों ने हमारी डेढ़ दो घंटे खुआरी करवाई थी क्योंकि ये लोग जब भी यहाँ आते हैं ना जल्दी निकलने का नाम ही नहीं लेते हमने इधर भी खेलना है उधर भी खेलना है ये भी राइड लेनी है वो भी लेनी है इन लोगों ने हमें सही खपाया हुआ था खैर जी अल्लाह अल्लाह करके जब हम इनको लेके निकले हैं सबसे पहले हमने देखा सेंटर पॉइंट मैंने सोचा चलो सुबह के लिए इनका कोई अच्छा सा कोई ड्रेस ले लेती हूँ कोई शूज अच्छे मिल जाए वो ले लेती हूँ सेंटर पॉइंट की चीजें वैसे भी बड़ी पसंद आती हैं मुझे तो जब मैं इंटर हुई हूं ना इनको मैंने कहा चलो आप अब बच्चों को देख लेना मैं जाकर थोड़ी सी शॉपिंग करती हूँ मैं थोड़ा सा अभी आगे गई हूँ बच्चों वाले सेक्शन में चलो जी सारी लाइटें उन लोगों ने बंद कर दी टाइम ओवर हो गया रात एक बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम और फिर वहाँ से निकलते हुए मेरा इतना दिल टूटा हुआ था ना आप सोच नहीं सकते क्योंकि पता है मुझे इतनी ज्यादा नींद आई हुई थी जब हम लोग पार्क में बैठे थे ना मैं फुल टून बैठी हुई थी नींद में लेकिन जैसे इन्होंने मुझे कहा ना कि नहीं हम शॉपिंग करने चलते मैं बड़ी खुश बड़ी एक्टिव हो गई नींद जैसे उड़ी गई हो मेरी बस ये वहां पे शॉपिंग तो कोई हुई नहीं हम लोग खाली हाथ उठा के घर वापस आए हैं रात तीन बजे हम लोग आके सोए थे और सुबह बारह बजे मैं उठी हूँ बच्चों को जल्दी से रेडी किया खुद भी रेडी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने जाना था एयर शो देखने के लिए हस्बैंड ने मुझे फोन किया था कि मेरा छोटा सा काम है मैं जल्दी से घर आता हूँ फिर हम लोग चलते हैं अच्छा इन सबको मैंने वाइट ड्रेस दिए हुए थे लेकिन अपने लिए मैंने ये पेरेट ग्रीन कलर का ड्रेस निकाला था ये भी मैं पाकिस्तान से आते हुए स्टीच करवा के लाई थी और इसका स्टफ बहुत अच्छा है इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा ग्रेसफुल सा था इसका दुपट्टा ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा था वैसे मुझे इसीलिए मैंने ये सूट लिया रात को खाना खाते हुए ना बिलाल का दांत भी निकल गया था और मुझे हंसता हुआ इतना प्यारा भी लग रहा था और थोड़ा थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था अच्छा ये ना बहुत लेट हो गए थे आते हुए हम लोग रेडी होके इतना बोर हो रहे थे बैठ बैठ के तंग आ गए थे और ये है जल्दी से रेडी होके हमें लेकर निकले हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई है हमें कम से कम एक डेढ़ बजे यहां से निकल जाना चाहिए था अगर हमने सही जगह पे जाके एयर शो देखना है अगर हम लोग लेट पहुंचेंगे तो आपको पता है वहां पे इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है गाड़ी आगे ले जाने की जगह नहीं मिलती और मेरी कजन के साथ मेरा फुल टाइम कॉन्टेक्ट था उन्होंने हमें बताया था कि आपने इस लोकेशन पे आना है और वो हमसे थोड़ा पहले निकल गए क्योंकि हम लोग तो इनका वेट करते रहे ये काफी लेट हो गए लेट ये हुए थे अपने शौक पूरे करने के चक्कर में बिलाल को और इनके बाबा दोनों को बहुत ज्यादा शौक था जब भी इंडिपेंडेंस डे आएगा हमने फ्लैग भी लगाना है गाड़ी भी से जानी है सब कुछ करना है तो ये इसी चक्कर में दो तीन घंटे वहां लगा के आए हैं और हम लोग लेट हो गए खैर जी अभी हम लोग निकले थे घर से और लोकेशन भी काफी दूर की है तकरीबन एक घंटा हमें जाने के लिए लग ही जाना था और यहाँ पे गाड़ी के सामने फ्लैग लगा हुआ मुझे इतना प्यारा लग रहा था जिंदगी में पहली दफा हमने इस तरह फ्लैग लगाया है और बड़ी खुशी हो रही थी बड़ा अच्छा टाइम लग रहा था ये वाला और यहाँ पे जब हम बाहर निकले ना तो हर जगह ग्रीन फ्लैग इन लोगों ने अपने लगाए हुए थे हर जगह को इन्होंने ग्रीन ग्रीन किया वो बड़ा ही प्यारा लगता है देख के बड़ा अच्छा लगता है और ना फीलिंग ही अलग सी होती है उस टाइम सर जी यहाँ हम लोग अपनी लोकेशन के करीब पहुंच चुके थे लेकिन हमें यू टर्न लेने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी बहुत ज्यादा क्राउड था फिर हम लोगों ने ये वाले नजारे बस दूर से ही देखे थे लेकिन बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा और ये इस तरह का एयर शो भी मैंने जिंदगी में पहली दफा लाइव देखा था और यहाँ पे हम लोगों ने एयर शो देख के बहुत इंजॉय किया था बच्चे इतने ज्यादा खुश हो रहे थे इतना उनको मजा आ रहा था हमने पहली दफा जिंदगी में इस तरह अपने सामने ये इतने ज्यादा फाइटर प्लेन देखे और इस तरह ग्रीन व्हाइट कलर फेंक रहे थे अच्छा देख के मजा बहुत आता है लेकिन फाइटर प्लेन की आवाज आपको पता ही है कितनी खौफनाक होती है और जैसे इनकी हरकते है ना कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे ऐसे घूम घूम के घूम घूम के ये ना ऐसे फ्लाई कर रहे थे तो मैं देख के डर रही थी मैंने कहा अल्लाह जी अगर इनकी अम्मा ये वीडियो देख लेना ये जो पायलट अंदर बैठे हैं इनकी अम्मा देख ले तो बेचारी पवे गाछ खा के डिग पे <laughs> मुझे तो देख के इतना डर लग रहा था पता नहीं ये लोग कैसे चला लेते हैं ऐसे उल्टा सीधा करते हैं इस फाइटर प्लेन को और घूम घूम के चलाते हैं अल्लाह जी इनकी हिम्मत है हमारी तो बिल्कुल देख के जान निकल जाती है खैर जी बड़े मजे मजे के ये वाले क्लिप्स थे और बहुत अच्छा लगा था बहुत मजा आया था आपको शायद मैं लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना लेकिन वो वाली फीलिंग वो वाली वाइब्स अभी भी मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है जी अभी रात का टाइम था और हम लोग आप ही की तरफ आ गए थे यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिनर किया उसके बाद काफी टाइम तक गप्पे शपे मारी अभी हम लोग निकले थे कि चलो हो सकता है किंगडम टावर के पास फायर वर्क हो हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ इनके घर के बिल्कुल पास ही है पार्क वहां जाके बैठे ना तो सामने किंगडम टावर नजर आता है तो हम लोगों ने सोचा हम ना ज्यादा क्राउड में नहीं जाते हम वहां जाके बैठ जाएंगे फायर वर्क हुआ तो हम देख लेंगे खैर जी यहाँ पे जब हम लोग घर से निकले है ना पहला एक्सीडेंट देखा है साथ ही या दूसरा एक्सीडेंट देखा है देख के हमारा थ्राह निकल गया आज के दिन काफी ज्यादा एक्सीडेंट हुए थे लेकिन फिर भी इनकी सिक्योरिटी को माशाल्लाह सलाम है उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया और ये वाले जो नमूने देखने को मिलते हैं ना इनका तो मजा ही अलग सा होता है इनकी जो हरकतें हैं जो ये अपने इस दिन को इतनी खुशी से सेलिब्रेट करती हैं और जिस तरह ये शोगल मेला लगाते हैं ना वो वाइब्स अलग सी होती है वो गाड़ी में आप बैठ के देखो ना बहुत मजा आएगा यहाँ जिस तरह ये लोग गाड़ी से निकल के बाहर बैठे हुए हैं ना जैसे इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स को देखना है, इन्होंने भाग के अंदर हो जाना है। और जैसे वो थोड़ा साइड पे जाएंगे फिर निकल के बाहर हो जाना इतना मजा आ रहा था ना इनको देख के हम लोगों ने अपने शीशे ऊपर किए हुए थे गाड़ी से कोई भी बाहर नहीं निकला था लेकिन हम लोगों ने ये सारे सीन बहुत इंजॉय किए पार्क जाके बैठे हैं कोई फायर वर्क नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ हम लोग मुंह उठाकर फिर वापस घर के लिए निकले यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट करना था लेकिन भूल के हम लोग इसी रोड को कंटिन्यू करते रहे और फिर हम लोगों को दो घंटे लग गए इस ट्रैफिक से निकलने में खैर जी आप ही लोगों को फिर हमने घर छोड़ा वापस आके हम लोग सो गए थे रात को सोने से पहले मैंने ब्यूटी सीक्रेट का एड देख लिया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे 90 परसेंट तक ऑफ आया हुआ है तो मैंने सुबह इनको नाश्ता करवाया फिर मैंने प्यार मोहब्बत से बसें प्लीज एक दफा मुझे ले जाएंगे कहते चलो आओ ठीक है मैं ले जाता हूँ अच्छा यहां पे अभी दिन एक बजे का टाइम था कोई क्राउड नहीं कोई रश नहीं हम लोगों ने इस टाइम को इतना एंजॉय किया इतने मजे से शॉपिंग की थी ना और बहुत अच्छी ऑफर थी आप ये देख लें कि 90 रियाल वाला जो लोशन है ना वो ओनली 9 रियाल में था 180 रियाल वाला परफ्यूम जो है वो ओनली एटीन रियाल में था और जो वन रियाल के लेंस है वो ओनली ट्वेल्व रियाल के इतनी मजेदार ऑफर थी मैंने बहुत अच्छी सी शॉपिंग की क्योंकि अभी ट्वेंटी का था ये नेशनल डे ट्वेंटी सिक्स को थी हमारी माशाल्लाह टेंथ वेडिंग एनिवर्सरी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एडवांस में शॉपिंग करवा दी थी कहते जो जो चीजें पसंद है ना बस ले लो जो आपका दिल करता है वो आप ले लो तो फिर मैंने यहां से बहुत अच्छी सी शॉपिंग की अगर आप लोगों ने मेरी शॉपिंग देखनी है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताना हम शॉपिंग हॉल का एक अलग से ब्लॉग बना लेंगे तो चलें जी अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें इनशाला हम फिर मिलेंगे ओके जी अल्लाह हाफिज